इंग्लैंड के खिलाफ आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी के साथ साथ जो रूट की बल्लेबाजी का आया तूफान। जी हाँ दोस्तों, सिराज और आकाशदीप ने चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिया। वहीं दूसरे छोर पर जो रूट इंग्लैंड का एकमात्र सहारा बने और अपनी बल्लेबाजी से कमाल की पारी खेली। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाईलाइट वीडियो। उससे पहले यदि आपको भी आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने भारत के खिलाफ रांची में चल रहे चौथे टेस्ट मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। वहीं इंग्लैंड के प्लेइंग 11 में दो बदलाव भी जरूर हुए थे। इंग्लैंड की टीम ने मार्क वुड और रेहान अहमद की जगह ओली रॉबिन्सन और शोएब बशीर को टीम में शामिल किया था। वहीं भारतीय टीम ने आकाशदीप को टेस्ट डेब्यू का मौका दिया है। वहीं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि भारतीय टीम मौजूदा सीरीज में दो मुकाबले जीतकर इंग्लैंड टीम पर बढ़त है। इंग्लैंड ने हैदराबाद में पहला टेस्ट मुकाबला 28 रन से जीता था, जिसके बाद भारत ने दमदार वापसी की और विशाखापट्टनम टेस्ट मैच में 106 रन से जीतकर सीरीज में बराबरी की। उसके बाद राजकोट में भारत ने इंग्लैंड की टीम को 434 रन से करारी हार देकर सीरीज में बढ़त बनाई। वहीं आज इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनर के रूप में जैक क्रॉली और बेन डकैत क्रीज पर उतरे थे। भारत की तरफ से डेब्यू करने वाले आकाशदीप ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने चौथे ओवर की पांचवी गेंद पर जैक क्रॉली को बोल्ड भी किया, लेकिन ये नौ बॉल रही। वो अपने डेब्यू विकेट से चूक गए थे, मगर आकाशदीप की बेहतरीन शुरुआत भारत को जल्दी विकेट निकालने में मदद कर सकती थी और वही हुआ। आकाशदीप ने भारत को दो बड़ी सफलता दिलाई। ओली पॉल और बेन डकैत को आकाशदीप ने अपना शिकार बनाया। इस तरह इंग्लैंड की टीम की शुरुआत खराब रही। वहीं भारत की तरफ से डेब्यू करे आकाशदीप ने गेंद से कोहरा मचाते हुए इंग्लैंड को एक के बाद एक झटके दिए। 27 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को तीसरा झटका भी आकाशदीप ने जैक क्रॉली को बोल्ड करके दिया। शुरुआती तीन विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड की टीम का 19 ओवर के बाद 90 रन के स्कोर पर पहुंच गया था, जहां पर जो रूट 11 और जॉनी बेस्टो 23 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड की टीम को 109 रन के स्कोर पर चौथा विकेट जॉनी बेस्टो के आउट होने पर लगा। जॉनी बेस्टो को आरएसयू ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। इस दौरान जॉनी 35 गेंदों पर 38 रन बनाकर पैवेलियन लौटे। भारतीय टीम का रांची टेस्ट के पहले दिन शुरुआत बहुत ही शानदार रही। लंच तक इंग्लैंड ने अपने 5 विकेट गवा दिए थे। पारी के 25 ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने कप्तान बेन स्टोक्स को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इस दौरान कप्तान स्टोक्स भी मात्र 3 रन ही बना सके। लंच ब्रेक तक भारत बहुत मजबूत नजर आ रहा था और इंग्लैंड की टीम ताश के पत्थों की तरफ बिखर रही थी, लेकिन इस तरह इंग्लैंड की टीम की तरफ से जो रूट काफी समय से क्रीज पर टिके हुए थे। रोहित शर्मा अपने गेंदबाजों में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन स्टोक्स के आउट होने के बाद एक भी विकेट नहीं मिला था। वहीं पारी के 42 ओवर के बाद इंग्लैंड की टीम 150 रन के स्कोर पर पहुंच गई थी। वहीं लंच ब्रेक के बाद इंग्लैंड की टीम से तरफ से बेन फॉक्स और जो रूट पारी को संभालने में लगे हुए थे। फॉक्स 14 रन और रूट 41 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 49 ओवर में जो रूट ने अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसकी बदौलत जो रूट और बेन फॉक्स ने इंग्लैंड को दूसरे सेशन में दमदार वापसी कराई, क्योंकि दोनों ने टीम को काफी समय से कोई नुकसान नहीं होने दिया था। भारतीय गेंदबाजों ने दूसरे सेशन में काफी मेहनत की, लेकिन विकेट निकालने में नाकाम रहे। रांची में पहले दिन के दूसरे सत्र में गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। रूट को पहले दिन बल्लेबाजी करने के लिए रांची की पिच काफी साथ दे रही थी, जहां वो सीरीज का अपना पहला अर्धशतक जमाने में कामयाब रही। टी टाइम तक इंग्लैंड ने अपना दमखम दिखाया और 64 ओवर के होने तक इंग्लैंड के स्कोर पर 5 विकेट खोकर 206 रन बना दिए थे, जहां पर बेन फॉक्स 30 और जो रूट 73 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों के बीच अब तक छठे विकेट के लिए 94 रन की साझेदारी हो चुकी थी। जो रूट तो काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और साथ ही अपने शतक की तरफ भी तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन उसी समय मोहम्मद सिराज ने बेन फॉक्स को 47 रन के स्कोर पर पैवेलियन की हार दिखाई। जडेजा ने शानदार कैच लपकते हुए फॉक्स की पारी का अंत किया और भारत को काफी इंतजार के बाद विकेट मिला, लेकिन इंग्लैंड के की रूट का अवतार बनकर आए जो रूट 79 रन बनाकर अभी भी खेल रहे थे, जबकि टॉम हॉटले उनका साथ निभा रहे थे। लेकिन दूसरे छोर पर मोहम्मद सिराज ने अपनी तेज रफ्तार के दम पर टॉम हॉटले को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और हॉटले 13 रन बनाकर चलते बने। वहीं काफी मेहनत और मशक्कत के बाद जो रूट ने दबाव में कमाल की पारी खेलते हुए आकाशदीप की गेंद पर चौका लगाने के साथ ही अपना शतक भी पूरा कर लिया और इंग्लैंड को सम्मानजनक रनों के 43 तक पहुंचाया। वहीं पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने स्कोर पर 7 विकेट खोकर 302 रन लगा दिए थे। जो रूट शतक जमाने के बाद 106 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे और वहीं ओली रॉबिन्सन 31 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। दोनों के बीच अर्धशतक की साझेदारी भी हो चुकी थी। तो दोस्तों जो रूट की बल्लेबाजी पर आपकी क्या राय है हमें अपने कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।